ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम प्रोफेसर कलीमुल्ला तहीम है। मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ ENT का और डायरेक्टर भी हूँ मेडिकल एजुकेशन का। मैंने MBBS डॉ मेडिकल कॉलेज से किया और उसके बाद मैंने DLO किया, उसके बाद मैंने मास्टर्स इन सर्जरी किया ऑटोलैरिंगोलॉजी में, उसके बाद मैंने MHPE किया नीदरलैंड से, जो कि मास्टर्स मेडिकल एजुकेशन है, जो आजकल एक नया ट्रेंड निकला है जिसके तवज्जुह से हम टीचर्स को नया तरीका और नया कानून सिखाते हैं और ये बताते हैं कि पुराने तरीके को छोड़ के अब नया तरीका जो इख्तियार किया जाता है, कुछ दुनिया में इख्तियार किया जाता है, उसमें मैंने मास्टर्स किया। मैंने FRCS ग्लासगो से भी है और आजकल मैं डॉ मेडिकल कॉलेज से रिटायर हो चुका हूँ। उसके बाद मैंने सर सैद में एज ए प्रोफेसर 3 साल काम किया और डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन भी रहा। उसके बाद मैं काफ़ी जगहों पे लेक्चर्स के लिए, वर्कशॉप्स के लिए पेशावर, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, लाड़काना, सक्कर, हैदराबाद, कई जगहों पे मैं मेडिकल एजुकेशन्स के लेक्चर देता रहता हूँ। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। आज हम एक खास टॉपिक है जो कि कान के मुतालिक है, मैं उसके मुतालिक आपको कुछ आगाही देना चाहता हूँ। वो ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए कि अक्सर लोग आते हैं, कान उनका बंद हो जाता है और कान को वो किसी न किसी तरीके से खुजलते रहते हैं। उन्होंने गाड़ी की चाबी पकड़ी और कान के अंदर डाल दिया और खींचते रहे, या कोई पिन ले ली या कोई ऐसी चीज़ ले ली जिससे कान को वो खुजलते रहते हैं और वो कान जो है उसमें कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो जाता है। तो मेरा आप सबसे इल्तमास यही है कि कान को बिल्कुल नहीं छेड़ें। आप कान को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कान में कोई ब्लॉकेज है, नॉर्मली वैक्स होता है जो कि कान को बंद कर देता है। वैक्स नॉर्मल तो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है बॉडी का, जैसे कि नाक में रुतूबत होती है, गले में लुआब होता है, ये ज़रूरी है। इसी तरह से कान की जो वैक्स है ये भी ज़रूरी है कान में, लेकिन अगर वो एक्सेस हो जाती है तब कान ब्लॉक हो जाता है, और एक्सेस जब होता है तब कान ब्लॉक होता है, तो उसको आप छेड़े नहीं, उसको किसी न किसी डॉक्टर से आप मुराजा करें ताकि वो उसको देख सके और उसको किसी न किसी तरीके से उसको निकाल सके। आपको नहीं करना है, आपको कान को नहीं छेड़ना है। कान एक नाजुक चीज़ है, अगर आप ज़्यादा छेड़ेंगे तो पर्दा, एक नाजुक पर्दा होता है जो कि एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर के बीच में एक पर्दा होता है जिससे आवाज़ जाती है हमारे दिमाग में और उससे हम सुन पाते हैं। अगर उसमें कहीं परफोरेशन हो गई, अगर उसमें कहीं कोई छेद हो गया तो आपकी आवाज़ जाती रहेगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि कान को आप नहीं छोड़ें, और अगर उसमें वैक्स है तो आप किसी डॉक्टर से मुराजा करें और डॉक्टर जो है वो उसमें सोडा ग्लिसरीन या छोटी सी दवाइयाँ डाल के उसका महलूल बना लें और उसको सक कर लेते हैं। बहुत आसान है, लेकिन ये है कि आप ख़ुद इसमें कुछ ना करें। तो जब वैक्स जमा हो जाता है कान में तो उसके साथ साथ कभी कभी लोगों को आवाज़ें आने शुरू हो जाती हैं। वो मरीज़ ये कहता है कि जी मेरे कान में जो है वो जिगर बोलता है, तो ये आवाज़ें भी उसका यही एक सबब होता है। कभी कभी चक्कर भी आते हैं, वर्टिगो जिसको हम कहते हैं, तो ये तीनों चीज़ें जो है इन वैक्स से मुंसलिक हो सकती है, पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। इसलिए आप इसको कुछ भी नहीं करें, हम वैक्स निकाल देंगे, आपकी टिनिटस जो आपकी कान में जो आवाज़ें आती हैं वो भी ख़त्म हो जाएगी और आपके जो चक्कर आने होते हैं, क्योंकि कान के दो फंक्शन हैं। कान का एक फंक्शन तो ये है कि आपकी जो बैलेंस है, बॉडी का बैलेंस है, उसको तवाज़ुन बरकरार रखे, और दूसरा ये कि आपकी हेयरिंग उससे रिस्टोर होती है। तो ये दोनों फंक्शन बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए कान को छेड़ना नहीं चाहिए, और अगर कोई मसला है तो आप डॉक्टर को दिखा दीजिए। मैं इन्हीं अल्फाज से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी वीडियो देखी, और अगर आपको मेरी कभी भी किसी जगह पर ज़रूरत हो तो ओला डॉक के ज़रिए से, उनके तवज्जो से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं साउथ सिटी में तो डेली होता हूँ,
6 o'clock टू 9 o'clock डेली एक्सेप्ट संडे, और DHA क्लिनिक में सैटरडे को मैं 3 से 4:30 तक होता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका।